पढ़ेंगे कल के टॉपिक 1857 के अंतर्गत विद्रोह के कौन कौन से केंद्र थे और दोनों पक्षों में नेतृत्वकर्ता कौन रहता है, इसके साथ ही ये विद्रोह असफल क्यों होता है, उन पर मुख्य रूप से हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्रोह भारतीय पक्ष का नेतृत्व कौन करता है, किस स्थान विशेष पर होता है और कौन सा ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता इन भारतीयों के अगेंस्ट रहता है। ये कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में क्या है, मैच का फॉलोइंग या सुमेलित करने के लिए आते हैं या ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि कहां का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले हम देखते हैं विद्रोहियों का जो मुख्य केंद्र रहता है दिल्ली, यहां पर क्या है बहादुर शाह जो रहता है मुगल बादशाह, ये अत्यधिक बूढ़ा या वयोवृद्ध रहते हैं, 67-63 इयर्स एज इनकी रहती है। ये नाम मात्र का नेतृत्व करते हैं और वास्तविक नेतृत्व उसका पुत्र बख्त खां करता है और इसको दबाने का या विद्रोह दिल्ली में दबाने का कार्य जो होता है ब्रिटिश सेनापति निकलसन और हडसन के माध्यम से यहाँ पर विद्रोह को दबाया जाता है। दूसरा क्या है कानपुर प्लेस है, कानपुर में क्या है नाना साहब पेशवा के रूप में और तात्या टोपे उनके सलाहकार के रूप में नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर कैंपल जो रहता है इन लोगों को प्रोटेस्ट करता है, उसके विरुद्ध रहता है। लखनऊ या अवध की जब बात करते हैं तो बेगम हजरत महल और उनका पुत्र ब्रिजेस कादर जो रहता है वो यहाँ पर विद्रोह को लीड करता है, नेतृत्व करता है और इसको जो है चैलेंज या चुनौती या टक्कर जो देते हैं वो जॉन आउट्रम और कैंपल दोनों मिल करके क्या है यहाँ पर उसका प्रोटेस्ट करते हैं। फिर झांसी का नाम देखते हैं, झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को एडॉप्ट करते हुए यहाँ पर संघर्ष करती हैं और इनको क्या है प्रोटेस्ट करने के लिए क्या है ब्रिटिश पक्षकार जो रहता है वो हीरोज रहता है। और जब इलाहाबाद की चर्चा होती है तो यहाँ पर भारतीय पक्ष का नेतृत्व जो है लियाकत अली ने किया था और यहाँ पर जो है कर्नल नील जो रहता है यहाँ पर उनको क्या है चैलेंज देता है। इसके बाद जब आते हैं बिहार की एक क्षेत्रीय रियासत रहती है जगदीशपुर और वहाँ पर क्या है जमींदार उमा सिंह रहते हैं जिनकी एज उस समय 63 ईयर्स रहती है, फिर भी क्या है वो विद्रोहियों का साथ देते हैं और उनको रोकने के लिए क्या है टेलर विलियम्स के रूप में क्या है ब्रिटिश पक्षकार यहाँ रहता है। फिर बात फैजाबाद की होती है तो यहाँ पर भारतीय पक्ष का नेतृत्व अहमदुल्ला खान करते हैं और यहाँ पर आयत नाम का सेनापति क्या है उनको प्रोटेस्ट करता है। फिर फतेहपुर की बात करते हैं तो अजीमुल्ला यहाँ पर उसका नेतृत्व करते हैं भारतीय पक्ष का और यहाँ पर ब्रिटिश पक्ष में क्या होते हैं जनरल रेनार्ड रहता है वो इनको क्या है प्रोटेस्ट करता है। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं और कभी कभी सुमेलित करने के लिए या किस देश का कौन सा पक्ष ब्रिटिश ने किसको प्रोटेस्ट किया या भारतीय विद्रोही या भारतीय नेतृत्वकर्ता वहां पर कौन रहता है। मैं बार बार यहाँ विद्रोही का नाम लेता हूँ वो उचित नहीं है, नेतृत्वकर्ता ज्यादा सही रहता है। फिर हम आते हैं मेन टॉपिक जो है आपका असफलता, ये विद्रोह असफल क्यों होता है, तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन यहाँ पर हम कुछ सीमित कारणों पर ही चर्चा करेंगे। पहला कारण है इतिहासकार कहते हैं कि यह विद्रोह असंगठित है। वास्तव में अगर हम देखें तो रियलिटी में क्या है यह विद्रोह जो होता है असंगठित रहता है। यह विद्रोह कहने को तो भारतीय शब्द के साथ जुड़ा रहता है लेकिन अगर हम एक नजर डालने की कोशिश करें तो पूरा जो साउथ इंडिया रहता है दक्षिण भारत जो रहता है वो क्या रहता है इस विद्रोह से पूरी तरीके से अछूता रहता है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं उत्तर भारत में तो मात्र इन्हें दो स्थानों पर होता है नहीं पूरा राजस्थान भी क्या रहता है शांत रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो पक्षकार रहते हैं विद्रोही रहते हैं उनके पास कोई एक संगठित या वेल प्लान ऑर्गेनाइज ये विद्रोह नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है असफल। दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि असफलता के कारणों में हथियारों का अभाव है। यहाँ पर हथियारों के अभाव का आशय यह है कि जो भारतीय पक्षकार रहते हैं विद्रोही रहते हैं जब विद्रोह प्रारंभ करते हैं 10 मई को तो छावनियों में जो गोला बारूद असलहे रहते हैं उनको लूट लेते हैं, इनके पास प्रॉपर एक चेन नहीं रहती है कि अगर हमने बुलेट का कारतूस का यूज कर लिया खत्म हो गई तो पीछे से कोई ले करके आएगा कि हम अंग्रेजों का सामना कर सकें। हमारे पास क्या है
प्राइवेट स्कूल्स क्या है, सब एक लिमिटेड मात्रा में रहते हैं और जिन पर क्या है भारतीयों को खत्म होने का डर रहता है कि ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आसानी से पकड़े जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। तो हमारे पास हथियारों का प्रोडक्शन नहीं रहता है, ना ही सप्लाई चेन रहती है। इस कारण से क्या है ये विद्रोह असफल होता है, इसको हम कह सकते हैं हथियारों का अभाव रहता है। तीसरा पक्ष जो रहता है मध्यम वर्ग की भूमिका। कोई भी क्रांति तब तक, कोई भी विद्रोह तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें क्या है मिडिल क्लास की भूमिका सकारात्मक न हो। पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मिडिल वर्ग है क्या, मध्यम वर्ग क्या है। मध्यम वर्ग का आशय उस वर्ग से लिया जाता है जो इंटेलेक्चुअल होता है, बौद्धिक रूप से क्या है संपन्न रहता है। इटमीन्स क्या है वो क्रांति में विद्रोह में विचारों की अग्नि डालता है। जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो वहां पर रूसो का नाम आता है, लॉक का नाम आता है। रशियन क्रांति का नाम लेते हैं तो वहां पर लेनिन का नाम आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है इस विद्रोह में कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग इसमें शामिल नहीं होता है। जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ या अन्य चीज इसमें कोई शामिल नहीं होता। जब हम इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई में देखिए तो आप गांधी जी वकील, नेहरू वकील, सरदार पटेल वकील, जिन्ना वकील, ये सारे क्या हैं वकील रहता है। एडमिन्स क्या है वो इंटेलेक्चुअल रहता है, वो कानूनों को जानता है कि हम इसका वायलेशन करेंगे तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है मध्यम वर्ग विद्रोहियों का साथ नहीं देता, इस कारण से विद्रोह असफल होता है। आगे चलते हैं नेतृत्वकर्ता का अभाव रहता है, लीडरशिप का क्या है पूरी तरीके से यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। आप देखिए हमारा नेतृत्वकर्ता कौन, बहादुर शाह, ये 63 इयर्स अबव रहता है। अब रिटायरमेंट की एज हमारे यहाँ 60 और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से नेतृत्व करने का हाँ भरता है। जब विद्रोही इसके पास दिल्ली 11 मई को पहुंचते हैं तो ये चाहता नहीं है, लेकिन विद्रोहियों का प्रेशर पड़ता है तभी स्वीकार करता है कि नहीं मैं विद्रोह करूंगा। जब हम बात करते हैं कुंवर सिंह की तो ये 63 ईयर्स प्लस कहते हैं, यानी व्यक्ति की आराम करने की एज होती है और चल रहा है विद्रोहियों का नेतृत्व करने, तो उनके पास क्या है एक नेतृत्व करने का सही ढंग का व्यक्ति नहीं रहता है जो इस विद्रोह को लीड कर सके। आगे चलते हैं राष्ट्रीयता का अभाव, नेशनलिटी का अभाव रहता है। नेशनलिटी का मतलब क्या है, एक सोच विद्रोहियों की नहीं रहती है। सारे विद्रोही क्या है अलग अलग डिमांड्स पर जुड़े रहते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेता है तो उनका स्लोगन रहता है मैं झांसी नहीं दूंगी। एटमेंस क्या है वो ये नहीं चाहते कि भारत अंग्रेज भारत से मिले, मेरी झांसी मुझे मिल जाए मैं विद्रोह में शामिल नहीं हूँ। नाना साहब जो रहते हैं कानपुर में नेतृत्व करते हैं, इनकी डिमांड्स रहती है कि मुझे पेशवा की पेंशन मिलनी चाहिए, हमें अगर पेंशन मिल जाए तो हमें अंग्रेजों से क्या है कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप देखिए जींद है, पटियाला है, हैदराबाद है, ग्वालियर है, ग्वालियर का शासक सिंधिया रहता है और ये सिंधिया हैदराबाद के निजाम, ये सब क्या है शामिल ही नहीं होते हैं। और तो और क्या है भारतीय पक्षकारों को दबाने के लिए अपनी सेना को क्या है भेजते हैं। तो कहने का मतलब एक भारत का जो थाट रहता है वो 1857 में आता नहीं है, भारत क्षेत्रीयता के आधार पर रहता है, इसलिए विद्रोह असफल होता है, एक बार पुनः संगठित नहीं रहता है, हथियारों का अभाव रहता है, मध्यम वर्ग की भूमिका नकारात्मक रहती है, असहयोगपूर्ण रहती है, नेतृत्वकर्ता का टोटली अभाव रहता है और राष्ट्रीयता का भाव भारतीयों में नहीं जगा रहता है। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीजों को ध्यान से देखिए, कोई प्रश्न है तो फिर ग्रुप में करेंगे।